तो गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करने वाले हैं। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम स्विफ्ट ZXI+ का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसी के बारे में जानेंगे, इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें आपको चारों डोर पावर विंडो दिए गए हैं ऑटो के साथ, जिसमें कि आप लॉक अनलॉक शीशों को भी लॉक कर सकते हैं, साइड मिरर को फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दोनों फीचर्स दिए गए हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है क्रोम फिनिश के साथ। माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी है तो उसका स्विच यहाँ पे दिया गया है, ऑन ऑफ करने का स्विच यहाँ पे दिया गया है। और ये आपको ESP दिया गया है। ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्रामिंग। ऑन ऑफ करने का स्विच यहाँ पे दिया गया है। हेडलाइट लेवलिंग के स्विच यहाँ पे दिए गए हैं। बात करें अगर स्टीयरिंग व्हील की, तो इसमें आपको ऑडियो कंट्रोल से स्टीयरिंग व्हील पे दिए गए हैं। मोड चेंज कर सकते हैं और चैनल को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। वॉइस कमांड आप इसमें यहाँ से दे सकते हैं, फ़ोन को उठा सकते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड में ऑटो हेडलैम्प के कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। MID में आपको टेम्परेचर, किलोमीटर, क्लॉक, न्यूट्रल पोजीशन में है गाड़ी तो शो करेगा किलोमीटर भी इसमें, और हीट कोल्ड कंडीशन भी शो हो जाएगी। कुछ वार्निंग लाइटें भी दी गई हैं, जैसे कि माल फंक्शन की लाइट। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये लो फ्यूल शो करता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपकी गाड़ी में भी फ्यूल कम है तो ये शो करेगा। और इसमें आपको ऑटो AC भी दिया गया है। ऑटो AC कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, और USB ऑक्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। की देख लेते हैं, तो ब्लू कलर की दी गई है। S का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें, तो दोनों की आपको ब्लू कलर की दी गई है। लॉक अनलॉक कर सकते हैं आप गाड़ी को सिंपली। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आप देख रहे हैं, 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें आप एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी प्ले कर सकते हैं आप आसानी से। और इसमें लेदर की ग्रिपिंग दी गई है, ग्रे फिनिश मिल जाएगी। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है ये, फ्लैट बॉटम। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया है, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे दिया गया है इसका। इसमें आपको दो SRS एयरबैग मिल जाएंगे, ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड। और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं आप, इसमें आप FM AM चला सकते हैं, यहाँ से मीडिया में जा सकते हैं। इसमें आप FM AM DRM तो इंडिया में चलता नहीं है तो चला सकते हैं। यहाँ पे आपको बटन्स, टच स्क्रीन सिस्टम है तो टच दिए गए हैं, जैसे कि ये वाला टच पावर का है, प्रेस करेंगे तो ये, तो जैसे कि मैंने प्रेस किया तो ये नाइट मोड पे चला गया। तो इसमें आपको डिस्प्ले दिखेगा, जिसमें कि आपको टाइम, क्या टाइम हो रहा है, ये वॉच दिखेगी आपको जो आपको टाइम बताएगी, और कौन सा दिन है और डे दोनों चीज़ आप शो करेगा। एक बार प्रेस करेंगे तो ये वापस उसी मोड पे चला जाएगा, और प्रेस करके रखेंगे तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो ये पावर बटन का भी काम करता है, प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और यहाँ से आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। ये बढ़ाने का दिया है, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं यहाँ से, यहाँ से कम कर सकते हैं वॉल्यूम को। ये म्यूट करने का दिया गया है, यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, तो देखिए म्यूट हो गया, तो यहाँ से भी आप म्यूट कर सकते हैं। ये बैक के लिए दिया है, यहाँ से आप बैक जा सकते हैं, यहाँ से ट्यून वगैरह कर सकते हैं। ये सेटिंग के लिए दिया है, यहाँ से बैक जा सकते हैं, देखिए बैक आ गए। ये ट्यून के लिए, जैसा कि FM AM चलाना चाहते हैं, यहाँ से सेटिंग के लिए ये वाला टच दिया है। और डायरेक्ट बैक जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं आप, ये देखिए डायरेक्ट बैक आ गए। तो ये सेटिंग का दिया है, तो इसमें काफ़ी सारी सेटिंगें दी गई हैं, जैसे कि डिस्प्ले की, टाइम की, व्हीकल अलर्ट, ये सारी सेटिंगें इसमें दी गई हैं। काफ़ी सारी सेटिंगें देखिए, इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं जो सेटिंग दी गई हैं इसमें, जैसे कि टाइम की सेटिंग कर सकते हैं आप इसमें टाइम जोन में जाके।
डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा आसानी से। बैक चलते हैं, व्हीकल अलर्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि डोर कोई ओपन है तो ये शो करेगा क्योंकि ऑन हो रखा है इस टाइम, और पार्किंग ब्रेक भी ऑन है, सीट बेल्ट भी ऑन है, फ्यूल लो फ्यूल शो करता है वो भी ऑन कर रखा हमने, तो ये बैटरी तो ये सारी चीज़ें आप ऑन देखे कर रखा है हमने। अगर इसको ऑफ़ करेंगे तो ये शो नहीं करेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफ़ करके, तो ये शो नहीं करेगा। लो फ्यूल इसको हमने ऑफ़ कर दिया है, तो जैसे कि हम गाड़ी को ऑन करेंगे तो लो फ्यूल ये शो नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ से ऑफ़ कर दिया है। चलिए बैक चलते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने गाड़ी को ऑफ़ कर दिया है, देखिए ऑफ़ है, और अब मैं ऑन करूँगा, देखिए मैं ऑन कर देता हूँ, ऑफ है अभी इंफोटेनमेंट सिस्टम, दो बार प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया, ये लो फ्यूल नहीं शो किया इसने, दोबारा दिखा देता हूँ मैं, देखिए ये लो फ्यूल नहीं शो कर रहा। तो ये ऐसी ऐसी सारी सेटिंगें आप इसमें कर सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको, काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। यही था इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में जो मुझे पता था मैंने आपको बताया, और कुछ रह गया हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो यही था इस वीडियो में, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।